बिग बॉस के घर के अंदर दोस्तियां जो हैं दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये रिश्ता जो है जो बन जाता है वो बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है और घर के बाहर भी वो निभाया जाता है। अब अगर बात करें रूबीनव की, यानी कि रूबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला की, तो इनकी दोस्ती और प्लस किनसे वे बाहर मिलना चाहते हैं, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, मैं इस वीडियो में बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज लाइव अपडेट देखकर आ रहा हूं दोस्तों, जहां पर रूबीनव ने डिसाइड कर लिया कि उनको क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो यहां पर अभिनव को और रूबीना को सारा गुरपाल जिस तरीके से बाहर उन्हें भोकाल सपोर्ट दे रही है, इसके बारे में पता चलता है और यही वो डिस्कशन करते हैं कि सारा जो है हमें सपोर्ट कर रही है बाहर, जिस पर रूबीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बच्चों की तरह करती है कि वाओ ये सच में कैसा है क्या। तो उस पर दोस्तों अभिनव कहते हैं हाँ सारा हमको सपोर्ट कर रही है। फिर उसके बाद रूबीना कहती है उससे मिलना है। जी हाँ, मतलब कि जब वो बाहर निकलेंगे तब सारा गुरपाल से मिलना है। फिर उसके बाद दोस्तों अभिनव ने लिस्ट गिनाने लग जाते हैं कि किनसे उनको मिलना है, किनसे उनको नहीं मिलना है। जहां पर वो मिलना है कि नाम लेते हैं सारा से मिलेंगे, एक शार्दुल से मिलेंगे, फिर उसके बाद शहजाद का नाम लेती है रूबीना दोस्तों, फिर उसके बाद पवित्रा का नाम लेता है ये क्या कहते हैं अभिनव, पवित्रा का नाम ले लेता है दोस्तों कि पवित्रा से मिलना है। और वहीं फिर उसके बाद दोस्तों नाम आता है हिना खान का, यानी कि बिग बॉस 11 की सुपरस्टार बनी हिना खान का, तो इन लोगों से मिलना पसंद करेंगे ये दंपत्ति बाहर जाकर। और किन लोगों से नहीं मिलना पसंद करेंगे, वेल ये आई गेस ये आप लोग ही सोच सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिखिएगा कि रूबीनव को किससे बाहर नहीं मिलना चाहिए। सारी बातें बोल दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।